गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ प्रदीप मौर्य। आज फिर उसी टॉपिक को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने टॉपिक क्या, पिछली बार हमने जो है ऑर्थोपोडा के बारे में समझा था, वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सारी आपको बताई थी, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब उसमें से देखिएगा यहाँ पे जो ये अब फाइलम है, ये क्या है, हम मोलस्का आज स्टार्ट कर रहे हैं और मोलस्का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, हमने आपको बताया था शुरू में, एक बार फिर से रिपीट किए दे रहे हैं कि फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, मोलस्का और इकानोडर्मेटा, ये इन चारों फाइलम के जो कॉमन नेम है एनिमल्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अक्सर वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक। और साथ में जो लार्वा, लार्वल स्टेजेस वगैरह जो हैं वो, ठीक है। तो ये जो भी चीजें हैं, और साथ में तो हम बताएंगे ही अभी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या जो आना है या जो आता है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको पता है कि जिस जिस फाइलम में जहाँ पे क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन किया है, बाकी सब जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी मोलस्का में जो क्लास है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताऊंगा। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में क्लास से अब क्वेश्चन नहीं आता, वहाँ पे क्या है, लार्वल फॉर्म जो है उनके बेसिस पे वहाँ पे क्या कैसे क्वेश्चन आता है वो हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, आज जो हमें स्टार्ट करना है वो क्या है, फाइलम मोलस्का। कौन सा है फाइलम? फाइलम मोलस्का। तो देखते हैं अगला आज फाइलम जो है, फाइलम मोलस्का, ठीक है। ये खास बात देखिएगा इसका, एक्चुअली हमने आपको बताया था लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। यानी अगर ओवरऑल देखे क्या है, लार्जेस्ट फाइलम क्या था, आर्थ्रोपोडा। वो आर्थ्रोपोडा में एक क्लास था जिसका नाम क्या था, इंसेक्टा। इंसेक्टा क्या है, वो लार्जेस्ट क्लास ऑफ द एनिमल किंगडम है, ठीक है। अब उसे यहां पे देखते हैं, जो ये क्या है मोलस्का, यहां पे क्या खास बात इनकी, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, ठीक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है क्या, मोलस्का। और फर्स्ट कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक। अब इनमें एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स एनिमल्स आर प्रेजेंट इन मैरीन वाटर, मैरीन वाटर, ठीक है, एंड टेरिस्ट्रियल। तो ये आप देखते हैं कि एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें दूसरी लाइन है कि मोलस्का आर टेरिस्ट्रियल और एक्वाटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। तो मैरीन और प्लस क्या है, फ्रेश वाटर, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं यहाँ पे, जो एम्फीबियन नेचर होते हैं, जैसे स्नेल, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे, ये क्या है, यहाँ पे टेरिस्ट्रियल और एक्वाटिक, एक्वाटिक में दोनों यानी मेनली जो है वो मैरीन होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो फ्रेश वाटर होते हैं। ध्यान रखिएगा एक और चीज, टेरिस्ट्रियल की अगर हम यहाँ पे बात करें, एम्फीबियन नेचर के होते हैं, जैसे स्नेल, स्नेल क्या होता है, एम्फीबियन नेचर होता है, यानी वाटर में भी और बाहर यानी आपके लैंड पे भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अगली बात करते हैं यहां पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहां पे, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये कैसा है, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक। अगली बात करते हैं, अब यहां पे क्या होता है, ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। क्या? बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन जैसे स्नेल है उसमें वो एसिमेट्रिक है, तो यहां पे कुछ चीजें जो है आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट, बायलैटरल सिमेट्री इज प्रेजेंट बट इन स्नेल, बट स्नेल इज, स्नेल इज एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एनिमल। तो याद रखिएगा ये एसिमेट्रिक एनिमल है, कौन, स्नेल। इसके बाद अगली बात करते हैं, अगर हम यहां पे देखें, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो इसके बाद अगली बात कह रहा है कि यहां पे क्या है कि बॉडी जो है वो क्या है, वो सेगमेंटेड है। तो यानी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड होती है। तो बॉडी
मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट ठीक है। साथ में कह रहा है कि सिलोमेट होते हैं, यानी अगली बात क्या है, बॉडी कैविटी वो कैसी है, यहां पे साइजोसील है, क्या है ओरिजिनली जो है साइजोसील। जैसे कि हमने कहां पे पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था आर्थ्रोपोडा में भी, तो साइजोसील है, लेकिन फिल्ड यानी ब्लड वेसल फ्यूजेस, तो ब्लड वेसल्स जो है वो फ्यूज हो जाएंगे, देन क्या हो जाएगा, देन हीमोसील कहलाएगा, क्या हीमोसील, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, तो हीमोसील कहेंगे उसे। तो ये चाहे इस तरीके से आ जाए चाहे इस तरीके से, तो साइजोसील, ऐसा ही मामला हमने आर्थ्रोपोडा में भी देखा था। तो एक बार इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोरिलेट करके समझिए कि ऐसा अगर यहां पे पढ़ा है तो ऐसा किसी दूसरे फाइलम में कहीं देखा है, यस, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऐसी स्टडी करेंगे तभी जाके आप जो है उस चीज पे कमांड कर पाएंगे, यानी कोरिलेटिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया, अगली बात करते हैं। अगला कह रहा है यहां पे जो है बॉडी, यहां पे जो है देखेंगे, कह रहा कि बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल, ठीक है, बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल। इसका मतलब क्या है, कैलकेरियस सेल यानी मेड अप ऑफ काहे का बना है, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है क्या सेल। अच्छा, सेल क्या होता है, ये आउटर कवरिंग करता है, क्योंकि बॉडी के जो विसरल ऑर्गन होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो सॉफ्ट बॉडी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर बाहर क्या होती है, ये सेल की कवरिंग होती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की है, काफी हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है, तो ये हार्ड कवरिंग होती है। और अब इसके बाद देखते हैं कि जो सेल होती है उसमें भी तीन लेयर होती है, वो तीन लेयर कैसे होती है उनके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये यहां तक हो गए इतने पॉइंट, अब आगे बात करते हैं, जरा अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक, ये पॉइंट हो गए, अगली बात करते हैं कि सेल, अब सेल का देखिए जरा, यहां पे हम सेल के बारे में जहां पे लिखते हैं, ये क्या है, आउटर हार्ड कवरिंग, सारे पॉइंट इसके बता दे रहे हैं, आउटर हार्ड कवरिंग हो गया, मेड अप ऑफ काहे की बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट की, और खास बात क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, जो बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, जो इंटरनल यानी विसरल ऑर्गन जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी प्रोटेक्ट्स इंटरनल सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, तो इंटरनल बॉडी सॉफ्ट ऑर्गन जो होते हैं उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, और ये जो बना होता है यानी मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, अब वो तीन लेयर देखिए कौन कौन सी है, पहली अगर हम यहां पे देखें, आउटर लेयर जो होती है, ठीक है, आउटर लेयर, उसका नाम क्या है, यहां पे क्या है, पेरिओस्ट्रैकम, क्या नाम है इसका, पेरिओस्ट्रैकम, ये इनसाइट में ही लिखा है पेरिओस्ट्रैकम, ठीक है, ये आउटर लेयर हो गई। दूसरी लेयर जो यानी मिडिल लेयर जो होती है, मिडिल लेयर जो होती है, इसका नाम होता है इसको प्रिस, ठीक है, ये जो आउटर लेयर, ये मिडिल लेयर हो जाएगी, इसका नाम है, इसको कहते हैं प्रिस्मैटिक लेयर, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रिस्मैटिक लेयर, ठीक, इनर वाली जो होती है उसको बोलते हैं नेक्रस लेयर, और इनर वाली ही याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनर लेयर जो होती है उसका नाम क्या है, नेक्रस
नेकरस लेयर, और खास बात यह होती है इसको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल, पर्ल मतलब मोती, मदर ऑफ पर्ल, ठीक है, तो मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है इसको, मदर ऑफ पर्ल, ठीक है, किसको, नेकरस लेयर को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। ठीक, अब याद रखिएगा ये जो नेकरस लेयर होती है, ठीक है, अभी मेंटल का भी जिक्र होगा कि जब कोई बाहर एजेंसी यानी फॉरेन पार्टिकल जब आ जाता है तो उसके ऊपर लेयर बाय लेयर जो है नेकरस लेयर बन जाती है और वो आखिर में क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। किस तरीके से और कौन से एनिमल में होता है उसका भी जिक्र, सारे एनिमल नहीं मोती बनाते हैं, कौन है उनका भी हम यहाँ पे नाम बताएंगे। ठीक, अब अगली बात करते हैं, अगला जब यहाँ पे देखेंगे वो जरा देखेंगे, कह रहा कि जो है बॉडी इज अनसेगमेंटेड होती है, तो ये भी एक पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए यहाँ मेटामेरिक सेगमेंट, सेगमेंट्स जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ में है कुछ में नहीं है, तो ये भी एक अलग की बात है। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी यहाँ पे कैसी है, अच्छा सेल जो है ये आउटर हार्ड कवरिंग, और एक और चीज लिखते हैं ये अनसेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड, तो सेल के सारे पॉइंट हो गए। तो सेल क्या है, अनसेगमेंटेड होती है, आउटर हार्ड कवरिंग होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, प्रोटेक्ट करती है इंटरनल सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन होते हैं उनको, तीन लेयर इसमें होती हैं, आउटर लेयर जो होती है प्री पेरी ऑस्ट्रैकम कहते हैं इसको, और मिडिल लेयर जो होती है प्रिस्मैटिक कहते हैं, इनर लेयर जो होती है इसको नेकरस लेयर या मदर ऑफ पर्ल कहते हैं, ये इस नाम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, अगला कह रहा है यहाँ पे जो है अ सॉफ्ट, यहाँ पे जो है बॉडी डिस्टिंक्ट, अ बॉडी डिवाइड, देखो कैसे होती है, बॉडी डिवाइड इंटू, बॉडी डिवाइड्स इंटू थ्री पार्ट, कितने पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक, कौन कौन से उसके बारे में देखते हैं, तो तीन पार्ट में डिवाइड होती है, वो तीन पार्ट को जरा देख लेते हैं। पहला जो होता है वो होता है हेड, क्या होता है हेड, पहला होता है हेड, दूसरा जो होता है वो मस्कुलर फुट होता है, क्या होता है, मस्कुलर मस्कुलर फुट होता है, अगला जो होता है यानी इसके बाद जो है मस्कुलर फुट हो गया, अगला जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहां पे, ये आपका है क्या नाम है इसका, विसरल हम्प, विसरल हम्प, या इसी को बोलते हैं विसरल मास, क्या बोलते हैं, विसरल मास। ठीक है, तो ये जो है यहां पे याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, विसरल मास कहते हैं इसको, ठीक, तो यानी बॉडी जो डिवाइड होती है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है, पहला हो गया हेड, दूसरा हो गया मस्कुलर फुट, तीसरा होता है विसरल हम्प या विसरल यहां पे मास कहते हैं उसको, तो ये याद रखिएगा तीन हिस्से होते हैं यानी तीन पार्ट होते हैं बॉडी के। ठीक, अब अगली बात करते हैं, अगला आपके जो एनसीईआरटी में दे रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट और यहीं पर लिख लेते हैं, तो ये तो यहां तो हो गया, अगला पॉइंट लिख रहे हैं अगला। ठीक है, एक बार चलते हैं जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं, जितना भी हमने लिख दिया उसको एक बार देख लेते हैं। हमने कहा मोलस्का जो है ये अपने आप में खास है, खास ऐसे हैं कि क्योंकि यहां पे देखेंगे अभी तक जितने भी फाइलम हमने देखा था कि सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको पता है कि एनेलिडा में सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया जो कि क्लोज टाइप का था, उसके बाद आर्थ्रोपोडा में हमने देखा कि वहां पे ओपन टाइप का है, उसके बाद जब हम आए किसमें मोलस्का पे, तो मोलस्का में भी अभी हम बताएंगे ओवरऑल तो है ओपन टाइप का, लेकिन एक क्लास है जिसको सिफेलोपोडा कहते हैं, वहां पे क्या है, वहां पे क्लोज टाइप का होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है, और खास बात ये होती है कि आपको पता है कि जो अगर हम देखें पूरे ओवरऑल इनवर्टिब्रेट्स में, तो हार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो न्यूरोजेनिक होता है, लेकिन अगर वही हम चले वर्टिब्रेट्स में चले जाएं, कॉर्डेट्स में चले जाएं, तो वहां पे जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है, जो कि मसल्स का बना है, न्यूरोजेनिक मतलब यानी नर्व सेल्स का बना है उस तरीके से, ठीक है, यानी नर्व नेट वहां पे जो है उस तरीके से एक्टिविटी करती। ठीक, अगर हम यहां पे देखें तो मोलस्का में एक ऐसा क्लास है जहां पे हार्ट जो है वो मायोजेनिक है, किसमें, सिफेलोपोडा में, जहां पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक एक चलते हैं, तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है मोलस्का, फर्स्ट कौन सा है वहां पे, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, या फिर देखते हैं एनिमल्स जो है ये मैरीन वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे और टेरिस्ट्रियल भी हैं, ठीक है, और एम्फीबियन नेचर का अगर देखा जाए तो स्नेल क्या होता है, वो एम्फीबियन नेचर, वाटर में भी रहेगा और क्या है लैंड पे भी रहेगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है,
बायलेटरल सिमेट्री बट स्नेल इज एसिमेट्रिक होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी इसको आप मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये वाला और पहला वाला भी मार्क कर लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला कह रहा है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो हम जब देखते हैं कि ज्यादातर जो अगर यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो वो यहाँ सेगमेंट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ रहा है इस समय, तो इसको याद रखिएगा, इसमें क्या मिलेगा, यस इसमें भी होता है सेगमेंट मेटामेरिक बॉडी कैविटी, जैसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमने एनिलिडा में पढ़ा, अच्छे से जाना वहां पे, ठीक है, बॉडी कैविटी जो है वो साइजोसील है एक्चुअली, ठीक है, और जब उसमें ब्लड वेसल्स जो होती है वो फ्यूज हो जाती है, ठीक है, फील्ड हो जाती है, एक तरीके से ब्लड फील्ड हो जाएगा, तो उसको कहेंगे क्या, हीमोसील, तो हीमोसील याद रखिएगा, हीमोसील हम आर्थ्रोपोडा में भी बताया और यहाँ पे भी। इसके बाद जब है बॉडी कवर्ड बाय यहाँ कैल्केरियस सेल, जो कि बनी हुई किसके, कैल्शियम कार्बोनेट की। अब सेल की बात करते हैं, जब सेल की बात करते हैं तो ये अनसेगमेंटेड होता है, आउटर हार्ड कवरिंग होती है, क्योंकि बनी किसकी है, कैल्शियम कार्बोनेट की, और ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल जो विसरल ऑर्गन है, जो बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है, उनको क्या करेंगे, उनको प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। और ये सेल जो होता है ये तीन लेयर का बना होता है, इसमें देखते हैं आउटर, मिडिल और इनर। आउटर लेयर जो होती है इसको पेरी ऑस्ट्रैकम कहते हैं, मिडिल वाली प्रिस्मैटिक कहते हैं, और इनर वाली को नेक्रस लेयर कहते हैं, जिसको मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें अनसेगमेंटेड वाला जो पॉइंट था सेल में वो मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये आता है, ठीक। बॉडी अब जो डिवाइड होती है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है, कितने, तीन पार्ट में। पहला जो है वो हेड है, दूसरा है मस्कुलर फुट, तीसरा है विसरल हम्प और विसरल मास कहते हैं इसको, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं, जरा इसमें आगे चलते हैं, तो अगले पॉइंट्स पे चलते हैं, तो इधर का मिटा देते हैं हम, और आगे फिर हम आपको एक एक पॉइंट आगे फिर बताते हैं, ठीक है, तो ये मिटा देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है, इसमें अभी जब धीरे धीरे हम आपको और भी चीजें बताएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज्यादा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अगली बात करते हैं यहां पे, अगर हम यहां पे देखें सर्कुलेटरी सिस्टम की, अगर हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है यहां पे वो कैसा है, मेनली ओपन टाइप का, ओपन टाइप। बट अब वो जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, ठीक है, बट इन क्लास सिफेलोपोडा, इट इज क्लोज्ड टाइप, क्या हो जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा, क्लोज टाइप का। और सिफाइलोपोडा में ही अभी जब हम अलग अलग इसमें बताएंगे तो आपको सब कुछ अलग अलग बता देंगे, यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और लेना ही नहीं यार, है ना, तो ये चीज़। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगला कह रहा है, यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा, अ सॉफ्ट स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल कवर, यहाँ पे कह रहा ओवर द विसरल हम्प। तो एक और पॉइंट लिख लेते हैं जरा, तो ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए मैंने बीच में लिख दिया। अब अगला बात करते हैं, अगला कह रहा है यहां पे जो है वो जरा देखेंगे, तो ये यहां पे अगला कह रहा है कि यहां पे जो है अ सॉफ्ट, आपके एनसीईआरटी में लिखा है ये चीज, अ सॉफ्ट स्पंजी, अ सॉफ्ट एंड स्पंजी, क्योंकि एनसीईआरटी हमें फॉलो करनी है, क्योंकि अब लाइन क्यों लिखाते हैं एनसीईआरटी की एग्जैक्ट, एक्चुअली क्या होता है एग्जैक्ट लाइन ही एग्जाम में आती है, ठीक है, इसलिए जो है हमको उसी फॉर्मेट में आपको लिखाना पड़ता है, ठीक। तो स्पॉन्जी लेयर यहां पे ऑफ स्किन फॉर्म्स कह रहा कि अ मेंटल, ये याद रखिएगा, ये मेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल नहीं है, मेंटल है, मेंटल हो गया, मेंटल नहीं मेंटल, तो अ मेंटल, तो ओवर द कह रहा कि विसरल हम्प, तो विसरल हम्प पे यहां पे देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक लेयर पाई जाती है जो कि स्पॉन्जी और सॉफ्ट होती है, जिसको कहते हैं मेंटल, क्या बोलते हैं मेंटल। अब मेंटल क्या करेगा, द
स्पेस बिटवीन प्रेजेंट, या कह रहा कि द स्पेस बिटवीन द बिटवीन द कह रहा बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, हम्प एंड मेंटल, मेंटल कह रहा कि हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, कॉल्ड मेंटल, मेंटल कैविटी, वेयर जहां पे क्या है, जहां पे कह रहा कि विच कैविटी, इन विच, इन विच क्या, फीदर लाइक गिल्स, फीदर लाइक गिल्स, या हम ब्रैकेट में लिख लें गिल फीदर, फीदर लाइक गिल्स, फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये रेस्पिरेशन जो है यहां पे किस तरीके से यहां पे हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, कह रहा कि दे यहां पे क्या है, ये फंक्शन करता है रेस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी फंक्शन दोनों करता है। तो ये गिल फीदर जो है अब करता क्या है, गिल गिल लाइक फीदर या फीदर लाइक गिल, फीदर लाइक गिल्स हेल्प्स इन इन बोथ कहे में रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। तो ये बहुत दिमाग में सेट कर लीजिएगा अच्छे से, एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन का यहां पे जो है वो, यानी फीदर लाइक जो गिल्स होते हैं उन्हीं के थ्रू रेस्पिरेशन भी होगा और साथ में एक्सक्रीशन भी होगा। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट की अगर हम यहां पे बात करें वो जरा देखेंगे। ठीक है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अगर चाहें तो हम यहां पे लिखवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करते हैं यहां पे। ठीक है, और यहां पे लिखा था ये आपका हो गया एक्सक्रेटरी फंक्शन। ठीक, लेकिन अगर एक मेनली अगर हम यहां पे देखें तो एक नोट करके हम लिखा रहे हैं इसी की जगह पे, क्योंकि उसी में कंफ्यूजन यहां पे होती है, तो नोट करके लिखाते हैं। ठीक, ऑर्गन ऑफ बोजाइनस पाया जाता है। ठीक है, क्या नाम है उसका, ऑर्गन ऑफ बोजाइनस। ठीक है, तो ऑर्गन ऑफ, ऑर्गन ऑफ बोजाइनस, या इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं केबर्स ऑर्गन, केबर्स ऑर्गन। ये काहे में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, किसमें, एक्सक्रेटरी सिस्टम है यानी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में ये भी हेल्प कर रहा था कौन, फीदर लाइक गिल्स, रेस्पिरेशन में भी कर रहा था, लेकिन ये जो है ऑर्गन ऑफ बोजाइनस या केबर्स ऑर्गन, ये जो है ये मेनली क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एक्सक्रीशन करेगा। ठीक है, और याद रखिएगा यहां पे ये किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो आप चाहे तो ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्या, किडनी लाइक, अभी किडनी प्रेजेंट नहीं है, किडनी लाइक स्ट्रक्चर है ये, किडनी लाइक स्ट्रक्चर, तो ब्रैकेट में लिख दिया किडनी लाइक से, केबर्स ऑर्गन और या ऑर्गन ऑफ बोजाइनस कहते हैं इनको, और ये काफी इंपॉर्टेंट, ये हेल्प करते हैं किसमें, यहां पे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये पहला एक नोट हो गया, दूसरा देखिए एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट की अगर हम यहां पे बात करें तो वो हो जाएगा क्या, अमोनिया, अमोनिया। ठीक, अमोनिया मेनली, यानी यहां पे अगर हम देखें तो अमोनिया जो हो जाएगा, ठीक है, मेन हो जाएगा मेनली, एंड क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड, यानी टेरिस्ट्रियल लाइफ में यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो है अमोनिया, और अमोनिया जो एलिमिनेट करते हैं
उनको कहते हैं अमोनोटेलिक, और जो यूरिया करते हैं, यूरिक एसिड करते हैं, उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। ये चीज जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहां पे इसका डिस्कस होगा, ठीक है। तो जहां पे जो चीज होगी वहीं पे हम आपको वो चीज बताएंगे, ठीक। अब यहां पे जो हम बात करते हैं वो जरा हम यहां पे बात करते हैं, ठीक है, अगली बात। तो यहां पे सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं उनका भी जिक्र कर लेते हैं, है ना। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। तो अगली बात यहां पे देखिएगा, तो ये देखिए एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं क्योंकि इसको मिटा के फिर दूसरी बात बताएं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है मेनली कैसा है, वो ओपन टाइप का है लेकिन क्लोज टाइप का एक क्लास में है जिसका नाम क्या है, सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा क्लास है किसका, मोलस्का का, जिसमें क्या होता है क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, अगला पार्ट कह रहा है कि यहाँ पे जो है सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर पाई जाती है इस, ठीक है, लेयर ऑफ स्किन जो कि फॉर्म करती है क्या, मेंटल को, और जो कि क्या है ओवर द विसरल हम्प, यानी विसरल हम्प पे प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो है स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द हम्प, यहाँ पे क्या है विसरल हम्प, हम्प का मतलब वो नहीं हम्प नहीं कुबड़ नहीं, यहाँ पे विसरल हम्प एंड मेंटल कॉल्ड एज मेंटल कैविटी इन विच यहाँ पे फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करेंगे वो हेल्प करते हैं किसमें, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में करते हैं। इसके बाद जब यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ पे ऑर्गन ऑफ बोजाइनस या केबर्स ऑर्गन, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन करते हैं लेकिन मेनली करते हैं यही एक्सक्रीशन है, और ये किडनी लाइक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर है, किडनी नहीं है, ठीक है। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये क्या है, ये अमोनिया, अमोनिया वही सिक्रेट करते हैं जो प्लेंटी ऑफ वाटर जिनके आसपास सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। जैसे कोई एनिमल है उसके आसपास बहुत ज्यादा पानी हो, कह सकते हो आप जो मैरीन वाटर के एनिमल्स हैं, ठीक है, वो मेनली तो करेंगे ही करेंगे, क्या करेंगे वो करेंगे अमोनिया, और जिनके पास वाटर की बहुत कम यानी मात्रा होती है, आसपास वाटर कम प्रेजेंट होता है, तो वो यूरिक एसिड, यानी एक तरीके से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाटर के कंजर्वेशन को, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कम से कम जब पानी मिलता है तो कम से कम लॉस करें, है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मोड होता है एक्सक्रीशन वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसको मिटा के आगे बात करते हैं, अभी और भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके सबके बारे में आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, डेवलपमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो अगर हम मोलस्का में डेवलपमेंट की, तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, इनका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होगी, तो वो जरा देखेंगे अगला पॉइंट। डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट वो होता है इनडायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट, इसका मतलब लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगी। अब लार्वा क्या होंगे, तो लार्वा को जरा देखेंगे, तो लार्वा को देखेंगे यहां पे, पहला अगर हम लार्वा देखें यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर ग्लॉचिडियम, ठीक है, ट्रोकोफोर ग्लॉचिडियम हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक और हो जाएगा जिसका नाम है वेलिजर लार्वा, ठीक है, वेलिजर, ठीक है, वेलिजर लार्वा, ठीक है, वेलिजर लार्वा, और ये कॉमन लार्वा होता है, कॉमन लार्वा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, और ये सब पूछेगा है, तो यानी इसका मतलब ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ट्रोकोफोर लार्वा और ग्लॉचिडियम लार्वा, वेलिजर लार्वा, यहीं पे एक नोट करके पॉइंट लिखते हैं। अगर आपको याद हो तो ये कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है, ट्रोकोफोर कुछ पहचाना सा लग रहा है, नहीं लग रहा, अभी लगेगा, देखिएगा, यानी अगर नोट करके एक पॉइंट लिखें, ऐसा हमने पढ़ा है और भी कहीं, किसी और का भी लार्वा होता है, यस, ट्रोकोफोर लार्वा इज द कॉमन लार्वा ऑफ, ट्रोकोफोर लार्वा फाउंड इन, किसमें किसमें, फाउंड इन एनिलिड्स, एनिलिड्स में, ठीक है, एनिलिडा के मेंबर में, एनिलिड्स एज वेल एज सम मॉलस्क, ठीक है, तो कुछ मॉलस्क में भी ये मिलेगा और साथ में एनिलिडा में भी, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो कहां कहां मिलेगा, दो जगह पे, एनिलिडा में मेनली लार्वा हो जाएगा ये, और यहाँ पे कुछ मोलस्क में भी ये मिलेगा, मोलस्का में जो मेन लार्वा है वो वेलिजर लार्वा है, और ग्लॉसिडियम भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अब आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि सेक्सेस जो है वो क्या है, सेपरेट नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे,
ये कैसे हैं? नेक्स्ट पॉइंट अगला ऐसे लिखें, डायरेक्ट लिखें, दे आर डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। क्या होता है? यूनिसेक्सुअल यानी मेल अलग और फीमेल अलग, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और साथ में क्या होता है? ये एगलेइंग करेंगे, यानी क्या है यहां पे? ओवी पैरस होते हैं। क्या होते हैं? ओवी पैरस। दे आर ओवी पैरस। क्या होते हैं? ओवी पैरस हैं। तो ओवी पैरस का मतलब क्या हो गया? एग लेइंग एनिमल है। तो एग लेइंग एनिमल हो गए ये, ठीक है? ये बात हो गई। अब एनसीईआरटी पे फिर चलते हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट्स उठाते हैं, ठीक है? अगली बात करते हैं यहाँ पे। अगला कह रहा है एनसीईआरटी में अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, वो क्या है अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें यहाँ से, ठीक है, वो देखेंगे। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला कह रहा है यहाँ पे कि जो सेंसरी ऑर्गन है वो क्या है? कह रहा है कि एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो है वो क्या क्या सेंसरी ऑर्गन है उनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, वो क्या क्या है उनके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, तो सेंसरी सेंसरी ऑर्गन्स इसमें से क्या हो जाएगा? देखिएगा, तीन सेंसरी ऑर्गन के बारे में यहां पे हम बता रहे हैं। आई हो जाएगा। दूसरा जो है वो देखेंगे यहां पे क्या है? ऑस्फ्रेडियम। क्या है? ऑस्फ्रेडियम। ऑस्फ्रेडियम अब देखिएगा, आई का विजन आपको पता है, ठीक है, ये क्या है? ये फोटो रिसेप्टर है एक तरीके से। क्या है? फोटो रिसेप्टर। तो आप वो भी देख सकते हैं। ग्लॉसिडियम जो होता है, ये इसका काम क्या होता है वो जरा देखेंगे। ग्लॉसिडियम जो होता है ये कीमो रिसेप्टर होता है। क्या होता है? कीमो रिसेप्टर होता है। और साथ में याद रखिएगा, इसको ऑल्फैक्टो रिसेप्टर भी कहते हैं। तो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर इसका मतलब क्या है? स्मेल, है ना, यानी केमिकल, यानी और उसको जो है स्मेल, यानी ऑल्फैक्टो रिसेप्टर या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, आप मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। और क्या है यहाँ पे? एक और इसका काम क्या होता है? ऑस्फ्रेडियम, ये एक्चुअली क्या करता है? वाटर क्वालिटी को क्या करता है? डिटेक्ट करता है, यानी फाइंडिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर, फाइंडिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की क्वालिटी को ये डिटेक्ट करता है। अगला जो यहां पे बताने वाले हैं वो जरा देखेंगे। वो अगला जो है यहां पे स्टैटोसिस्ट या लिथोसिस्ट बोलते हैं। स्टैटोसिस्ट अच्छा, ये क्या होता है आपको पता है? बैलेंसिंग है, ये बैलेंस करता है। बैलेंस कब करेगा? पता लगा जब वो स्विम कर रहा है, तो स्विम के टाइम पे उसको बैलेंस तो करना है, क्योंकि ये एक्वाटिक यानी वाटर में रहेंगे, तो वाटर रहेंगे तो यानी इनमें स्टैटोसिस्ट होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, आई का भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहां पे क्या? फोटो रिसेप्टर। ठीक है, फोटो रिसेप्टर, ये बात हो गई। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो आगे पॉइंट और यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, देखिए गया यहाँ पे। तो अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट एनसीईआरटी में दे रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा कि जो एंटीरियर हेड साइड में यहाँ पे क्या है? सेंसरी टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंटीरियर हेड रीजन में यहां पे हैज, क्या कह रहा है? हैज सेंसरी टेंटिकल। जैसे हाइड्रा में आपको बताया था टेंटिकल के बारे में, ठीक है, टेंटिकल, तो ये भी याद रखिएगा, जिसमें निमेटोसाइट बताया था आपको, ठीक है।
इसके बाद आगे बात करते हैं, अगला कह रहा है इसमें जो है, द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग कॉल्ड रेडुला। अब देखिए रेडुला प्रेजेंट होगा, रेडुला। अब रेडुला क्या करेगा, ठीक है, रेडुला जो है ये फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट ऑन माउथ। तो माउथ में जो है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होगा, जो कि क्या करेगा, जो कि यहां पे हेल्प करेगा किसमें, वो फीडिंग में, यानी हेल्प्स इन फीडिंग। ठीक, तो फीडिंग में हेल्प करेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां से। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक, इसके बाद जो है हम थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं एक एक फाइला को यहां पे, ठीक है, उसको क्लास को। तो कैसे, तो एक बार फिर से यहां से रिपीट किए दे रहे हैं इस पॉइंट्स को, वो जरा देखेंगे। पॉइंट में जब देखते हैं, डेवलपमेंट जो है यहां पे इनडायरेक्ट है, लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लोसिडियम लार्वा और वेलिजर लार्वा जो कि कॉमन है। ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है वो एनलिडा में जो मेन होता है लार्वा, और यहां पे कुछ मॉलस्क में भी आपको ट्रोकोफोर मिलेगा। दे आर डायोसियस यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल अलग और फीमेल अलग होता है। इसके बाद दे आर ओविपैरस यानी एग लेइंग करेंगे ये। सेंसरी ऑर्गन्स का अगर यहाँ पे हम बात करें तो आई हो जाएगा, फोटोरिसेप्टर का काम करेगा, और स्फ्रेडियम जो होता है ये कीमोरिसेप्टर होता है, और ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, तो इसके बाद इसका काम क्या होता है, फाइंडिंग द क्वालिटी ऑफ द वाटर। ठीक, स्टैटोसिस्ट की बात करते हैं, ये इसको लिथोसिस्ट भी कहा जाता है, और ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। ठीक, एंटीरियर हेड रीजन में क्या होता है, यहाँ पे सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि डिफेंस में हेल्प करते हैं। ठीक, टेंटिकल का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जैसे भी हमने हाइड्रा में भी बताया था जो काम था, वैसे ही यहाँ पे भी टेंटिकल का काम होगा। रेडुला की जब बात करते हैं, ये फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि क्या है, फूड को यहाँ पे जो है वो क्या है, फीडिंग में हेल्प करता है, या डिटेक्शन ऑफ फूड करता है, फूड की क्वालिटी को डिटेक्ट करता है, ठीक है, साथ में। तो ये काफी रेस्पिंग ऑर्गन है, कहने का मतलब है च्यूइंग करेगा एक तरीके से। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद आगे क्लासिफिकेशन पे चलते हैं जरा। क्लासिफिकेशन ऑफ यहाँ पे मोलस्क का जो फाइलम है उसमें कितने क्लास हैं और किस क्लास में क्या है वहां पे, तो एक दो पॉइंट बताएंगे जो पॉइंट आते हैं, बाकी नहीं बताएंगे, ठीक है, बाकी वो अब सिलेबस में उतना नहीं है कि बहुत डीप में हर एक चीज को बताया जाए, ठीक है, वहां से एक दो क्वेश्चन जो आ जाते हैं बस उनको वहां से पॉइंट आउट करना है, जो अलग अलग आपको चैप्टर्स में मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में। तो हम कोरिलेट करके आपको इसलिए पढ़ाते हैं कि कोई भी पॉइंट जो है वो किसी और भी चैप्टर में क्या वो उससे रिलेटेड है, क्या वो मिलेगा, वो सब एक जगह पे हम आपको ऐसे बताते हुए चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यहाँ पे जो है मोलस्का, क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का, ठीक, तो मोलस्का को जो अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो 6 क्लास में क्लासिफाई करेंगे, किसमें, 6 क्लास में, 3, 4, 5, 6, ठीक, तो ये 6 क्लास जो है यानी 6 क्लास में हम इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं, इसमें से अगर हम देखें तो पहला देखिएगा यहां पे, पहला जो क्या है, पहला है यहां पे मोनोप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा। दूसरा जो है वो क्या है यहां पे, पॉली प्लेकोफोरा, इसका दूसरा भी नाम है, इसका कहते हैं इसको क्या, एम्फीन्यूरा। हालांकि आप इस पे ज्यादा ध्यान ना दीजिएगा, केवल इनमें जो पॉइंट बताएंगे उन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला है गैस्ट्रोपोडा। अब ये वाला क्लास इंपॉर्टेंट है तो इसमें मार्क कर लेंगे, जिस पे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे उस पे ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, गैस्ट्रोपोडा, इसको बाइवाल्विया भी कहते हैं, क्या, बाइवाल्विया। ठीक, अगला जो बात करेंगे यहां पे क्या है, स्कैफोपोडा, स्कैफोपोडा, ठीक, ये हो गया। नंबर पांच पे सिफाइलोपोडा, सिफाइलोपोडा और ये वाला क्लास मार्क कर लेंगे, यानी कहने का मतलब ये वाला क्लास गैस्ट्रोपोडा और सिफाइलोपोडा, ये आपको मेनली आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अगला जब बात करेंगे लास्ट में वो है आपका
वो अगला फाइला है प्लीसाइपोडा, प्लीसाइपोडा, ठीक है, ये हो गया प्लीसाइपोडा। ठीक, अब एक एक के बारे में जरा समझते हैं यहां पे। ठीक, चलते हैं। पहला पॉइंट अगर हम यहां पे देखें, जो आपका मोनोप्लेकोपोरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे, वो क्या है, यहां पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन प्रेजेंट, ये खास बात। इसका एक जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, इसका एग्जाम्पल एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नियोप्लाइना, क्या नाम है, नियोप्लाइना। नियोप्लाइना एक्चुअली क्या होता है, देखिएगा ये, इसके सारे पॉइंट हम आपको बता देते हैं। ये कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके किसके बीच में, बिटवीन, यहां पे ये है किसमें, एनिलिडा और मोलस्का के बीच में, किसके बीच में, यहां पे एनिलिडा और मोलस्का के बीच में, एनिलिडा एंड मोलस्का। तो एनिलिडा और मोलस्का, देखिए इसको याद करने का एक तरीका है, मैंने कहा हर तरीके से आपको याद करना। जैसे आपको पता है एक और चीज होती है पेरिपाइटस, क्या होती है, पेरिपाइटस, ये एक ऑर्थ्रोपोड है, आ ऑर्थ्रो ऑर्थ्रोपोड, तो ये एक ऑर्थ्रोपोडा यानी ऑर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है, क्या नाम है, पेरिपाइटस, और ये एक कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है, लिंक बिटवीन किसके किसके बीच में, ये है आपका किसमें, यहां पे एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। तो दिमाग में दोनों चीजें सेट कर लीजिए, चाहे नोट करके इसको भी उसी की जगह पे, ये नोट करके आप ऊपर भी लिख सकते हैं जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें, ठीक है, या आप जो है ऑर्थ्रोपोडा में इसको ऐड कर सकते हैं, मैंने बताया भी है, लेकिन आप इसको ऐड कर, पेरिपेटस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक ऑर्थ्रोपोडा है यानी ऑर्थ्रोपोड्स है, और ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन किसके, एनिलिडा और ऑर्थ्रोपोडा। इसको याद करने का तरीका बताया था हमने, क्या, अगर आपको याद हो तो आप बताया था, क्या आप, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं है आप, ये आप हमारा फॉर्मूला है, क्या है, आप कहने का मतलब क्या हो गया, देखिएगा जरा, पेरिपेटस जो है ये एनिलिडा एक मतलब आर्थ्रोपोडा और पी का मतलब पेरिपेटस, ये बहुत याद करने का अच्छा तरीका है, पेरिपेटस। तो ये हो गया कि पेरिपेटस जो है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, इसमें तो याद रखिएगा, जब भी कभी हम कनेक्टिंग लिंक लिखते हैं तो जो पहले फाइला होता है उसको पहले लिखते हैं, और जो बाद में फाइलम आता है, जो सीक्वेंस में, जो हमने आपको बताया था कि पोरीफेरा सिलेंट्रेटा इस तरीके से जो सीक्वेंस है एवोल्यूशन के थ्रू, तो उसी एवोल्यूशन के थ्रू जो है जो सीक्वेंस है उसी को आप लिखेंगे। अगर हम कह दें कि आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि यहाँ नियोप्लाइना जो होता है ये कनेक्टिंग लिंक है किसमें, एनिलिडा और मोलस्का के बीच में। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मोलस्का और एनिलिडा, उल्टा हो जाएगा, एवोल्यूशन उल्टा हो जाएगा। तो कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में है, एनिलिडा और मोलस्का के बीच में। अब देखिएगा वहां पे लिखा है एनिलिडा और मोलस्का, क्या उसको हम उसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं, यस। जैसे किसी का नाम लिखना होता है तो हम इसको नाम भी कर सकते हैं, या उल्टा पलट के हम कह सकते हैं क्या, मैन, तो हम इसको मैन बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, मैन जब बोलेंगे वो जरा देखेंगे कैसे, कहने का मतलब क्या है। एम का मतलब हो गया मोलस्का, ये फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा सीक्वेंस बदल जाएगा, लेकिन हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। मोलस्का इकाइनोडर, वो सॉरी एनिलिडा, और एन का मतलब हो गया नियोप्लाइना, ठीक है। तो मोलस्का, एनिलिडा और नियोप्लाइना, तो ये भी कनेक्टिंग लिंक था, यानी नियोप्लाइना कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच में, एनिलिडा और मोलस्का के बीच में। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका बना लिया, क्या, मैन।
पेरिपेटस ये एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और ये कनेक्टिंग लिंक होता है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। इसको याद रखने का तरीका बनाया क्या, आप ए मतलब एनेलिडा, ए मतलब आर्थ्रोपोडा, पी मतलब पेरिपेटस। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो हमने आपको बताया जो कि याद करने का है। तो ये आप नोट करके कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको चाहे तो आप पेरिपेटस को आर्थ्रोपोडा में लिख लीजिए और जो नियोप्लाइना है वो तो हम बता ही रहे हैं आपको मोलस्का में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, आप इसको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और ये दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है, दोनों पूछे जाते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं इसके बाद नियोप्लाइना की। एक और खास बात नियोप्लाइना की और खास बात क्या है, ये लिविंग फॉसिल है। क्या है? लिविंग फॉसिल है। और साथ में एक होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। ये करेक्टर किसका, एनेलिडा का था, जिसकी वजह से ये जो है कनेक्टिंग लिंक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से इसको, ठीक है। तो ये लिविंग फॉसिल हो जाएगा। अगली बात करते हैं इसके बाद अगली बात करते हैं नंबर जो सेकंड है, जो फाइला है उसके बारे में बात करते हैं, क्लास है जो नंबर सेकंड उसमें बात करते हैं। तो नंबर जो सेकंड क्लास है वो क्या है, यहां पे पॉलीप्लेकोफोरा या एम्फीन्यूरा। ये देखते हैं इसमें क्या है यहां पे खास बात। तो इसमें बहुत ज्यादा खास बात नहीं है लेकिन एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्या यहां पे, यहां पे आई और टेंटिकल एब्सेंट होते हैं। तो आई एंड टेंटिकल आई एंड टेंटिकल, ठीक है, ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें वो इंपॉर्टेंट है, वो जरा देखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो जरा देखेंगे। तो एग्जाम्पल हो जाएगा काइटन, क्या हो जाएगा, काइटन, काइटन। इसको कॉमनली क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सी माइस। क्या बोलते हैं, सी माइस कहा जाता है इसको। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कॉमन नेम मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एक शुरू हो गया, काइटन बोला यानी सी माइस, तो याद रखना काइटन। और ये इसका एग्जांपल है। अब अगला चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्लास है वो क्या है, गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में जब चलते हैं तो गैस्ट्रोपोडा में देखिएगा ये क्या है, इसको गैस्ट्रोपोडा, ये यूनिवॉल्विया होता है, यहाँ पे बाईवॉल्विया लिख गया, इसमें यूनि कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यूनिवॉल्विया, यूनिवॉल्विया, ठीक है, यूनिवॉल्विया, हाँ यूनिवॉल्विया ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहां पे देखें तो बाईवॉल्विया था ये लास्ट वाला, बाईवॉल्विया, ठीक है, बाईवॉल्विया। तो यूनिवॉल्विया ये हो गया। अब इसमें देखिएगा पॉइंट एक एक जो हम आपको बताने वाले हैं, ये लार्जेस्ट क्लास है मोलस्का का। जैसे कि लार्जेस्ट क्लास जो इंसेक्टा था वो किसका था, वो आर्थ्रोपोडा का था, तो ये लार्जेस्ट क्लास है किसका, ये मोलस्का का। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट जब यहां पे देखेंगे तो कह रहा है कि ये सब जगह पे मिलेंगे, यानी फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर और टेरिस्ट्रियल। सेल जो है स्पाइरल क्वाइल्ड होता है, जो सेल होता है वो स्पाइरली क्वाइल्ड होता है, स्पाइरली क्वाइल्ड होता है जो सेल होता है, जो कि हार्ड कवरिंग थी, ठीक है। और ये टॉर्सन शो करते हैं, यानी इनकी बॉडी घूमी हुई है, टॉर्सन, ठीक है, मुड़े हुए। तो सो टॉर्सन, ठीक, कितने डिग्री, 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री जो है वो टॉर्सन रहेगा इसमें, ठीक है, टॉर्सन। इसके बाद है यहां पे वेलिजर लार्वा और टोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होते हैं। तो वेलिजर लार्वा, वेलिजर और ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल अब बहुत मेन है क्योंकि उनके कॉमन नेम याद करने हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, अभी मैं एक जगह पे लिस्ट बना दूंगा, ठीक है, बाकी बता तो सभी दिया है कि अभी हम सिफेलोपोडा में चलेंगे। इस क्लास के मेंबर जो होंगे उनमें क्लोज टाइप का क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी जितने भी क्लास हैं, यानी बाकी जो बचे हुए 5 क्लास हैं, उनमें ओपन टाइप का क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल में चलते हैं, एग्जाम्पल में कुछ लेते हैं। पहला पाइला, पाइला कह रहे हैं, बाइला नहीं कह रहे, पाइला, पाइला क्या, इसको कॉमन नेम क्या है, एप्पल स्नेल, क्या बोलते हैं, एप्पल
स्नेल, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया पहला। अगला बात कर रहे हैं यहां पे क्या है, यहां पे डोरिस, डोरिस डोरिस को कहते हैं क्या, सी लेमन, ठीक। अगला बात करते हैं, इसके बाद अगला है यहां पे टर्बिनेला, जिसको संख कहते हैं, क्या बोलते हैं, संख, ठीक है, टर्बिनेला। इसके बाद जब बात करते हैं यहां पे अगला, वो हो जाएगा आपका एप्लेसिया, APLYSIA, एप्लेसिया। एप्लेसिया को क्या कहते हैं, एप्लेसिया को कहते हैं सी हेयर, देखिए रैबिट, हम देखिए रैबिट लिखते हैं, रैबिट मीन्स खरगोश होता है, एक होता है हेयर, हेयर मीन्स भी क्या होता है यहां पे रैबिट होता है, लेकिन ये वाइल्ड होता है, जो जंगली होता है और ब्राउनिश कलर का होता है, देखिए हल्का सा ब्राउन ब्राउन या एक तरीके से मिट्टी के जैसा होता है, ठीक है थोड़ा, तो वो जो होता है उसको बोलते हैं गाँव में, जो देहात में होता है उसको चौगड़ा कहते हैं एक तरीके से, कभी नाम सुना हो शायद, तो वो हेयर होता है, तो ये उसके जैसा दिखता है, इसलिए क्या है सी हेयर कहा जाता है इसको, ठीक। तो ये कॉमन नेम पाइला है, एप्पल स्नेल हो गया, डोरिस हो गया, सी लेमन हो गया, टर्बिनेला हो गया, संख हो गया, एप्लेसिया क्या हो गया, सी हेयर हो गया। अब हम अगले क्लास पे चलते हैं, जो कि क्या है स्काइफोपोडा पे, स्काइफोपोडा में चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है, लेकिन जो भी है वो जरा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये मैरिन होते हैं, और खास बात इसमें केवल एग्जाम्पल हम लिखे ले रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है, एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल अक्सर पूछा जाता है, क्या डेंटेलियम, क्या नाम है इसका, डेंटेलियम, क्या नाम है, डेंटेलियम, जिसको कहते हैं क्या, इसको बोला जाता है टस्क सेल, क्या बोला जाता है, टस्क सेल। अब एक्चुअली ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल, ये टस्क का मतलब क्या होता है वो जरा देखेंगे, हम आपको बता देते हैं, ये टस्क नाम कभी सुना है, सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता रहा हूं, टस्क एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा होगा हाथी के दो दांत क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, हाथी के, यानी अगर हम वहां पे देखें एलिफेंट के, एलिफेंट के दो ऐसे दांत निकले रहते हैं, हाँ इंडियन एलिफेंट होता है उसके थोड़ा सा छोटे होते हैं, लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट के देखें तो वो काफी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एलिफास मैक्सिमस हम देखते हैं कि जो एलिफेंट का जूलॉजिकल नेम होता है, और आपको पता है कि अगर हम अफ्रीकन अगर एलिफेंट का देखें तो उसका नाम है लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना कहते हैं उसको, तो लॉक्सोडोंटा, तो वहां पे क्या है, वहां पे डोंटा, वो बड़े बड़े उसके दांत होते हैं वहां पे एक तरीके से, अब देखेंगे। तो टस्क एक्चुअली क्या होता है, जो लंबे दांत होते हैं किसके, एलिफेंट के, उसको कहा जाता है टस्क, क्या बोलते हैं, टस्क। अब वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, वो कौन से टीथ होते हैं, है ना, तो आपको पता है अगर हम डेंटल फॉर्मूला देखें किसका, एलिफेंट का, तो एलिफेंट का अगर हम डेंटल फॉर्मूला देखें, वो जरा देखें, एलिफेंट का डेंटल फॉर्मूला ऑफ, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एलिफेंट, तो वो क्या होता है, उसका होता है क्या 100 यहां पे, हाँ 1003 और 1003 इंटू टू। एक्चुअली आपको पता है हाफ अपर जॉ और हाफ लोअर जॉ मल्टीप्लाइड बाय टू, यानी हाफ अपर जॉ, ये इंसीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिएगा कैनाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्री मोलर को और ये मोलर को, आपको पता है ना ये चीज, पहला वाला इंसीजर, दूसरा वाला कैनाइन, फिर प्री मोलर और फिर मोलर, ठीक है, ऐसे ही ये अपर जॉ का हो गया, ऐसे लोअर जॉ का हाफ, और उसको जब दो से इंटू कर देते हैं यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी जॉ का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये देखिएगा, ये क्या है इंसीजर है, और यही एक्चुअली क्या होते हैं, ठीक है, ये इंसीजर हो गए, लेकिन जब एक ये है दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो हो जाएगा, और यही इंसीजर जो है ये क्या करेगा, यही बनाता है किसको, ये टस्क को बनाता है, ठीक है, ये क्या है इंसीजर है, यानी आप कह सकते हैं टस्क क्या है, टस्क अपर इंसीजर है, क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आता है जब आपको, जब डाइजेस्टिव सिस्टम चलेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहां पे इसका जिक्र हम फिर से करेंगे। हमने कहा हम कोरिलेटेड पढ़ाते हैं, जब भी कोई नाम आए तो उसको कहाँ पढ़ा, कहाँ पढ़ना है, कैसे याद रखना है, ये चीजें बताते हैं। तो टस्क का मतलब ये होता है कि ये अपर इंसीजर है जो कि
क्या है, जो कि हाथी में बड़े बड़े से दांत निकले रहते हैं। इसका मेडिसिनल पर्पस भी है बहुत सारा, ठीक है, कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल होता है और ऑर्नामेंटल भी होता है, बहुत लोग घरों में देखा होगा जो हवेलियां बनती हैं उसमें भी, तभी इसका जो है दांत जो है लोग इसका शिकार करते हैं, जो आप देखते हैं कि किस तरीके से इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डिक्लाइन होती जा रही है एलिफेंट की, तो बहुत सोचने वाली ये चीज़ें हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़े लिखे होके हमारा एक, हम लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए, हम लोगों का एक टारगेट होना चाहिए कि हम जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, है ना। ये कम से कम भले उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं उनके उनके लिए। भाई कहते हैं कि अगर हम बचा नहीं सकते तो कम से कम मार नहीं सकते, ना मारें, है ना। यानी हम बचा नहीं सकते अगर, तो हम कम से कम ना मारें, यही कर सकते हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो इससे ही काफ़ी कुछ मिलेगा, तो हमको कुछ ना कुछ जो है, देखिए उनके साथ में हम लोगों का किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है आप देखते ही हैं, इन्वायरमेंट के साथ में हमारा कैसा होता है, तो इकोसिस्टम आप जानते ही उसमें, और एनिमल का हम लोगों से क्या जो रिलेशन है, क्योंकि उनके बगैर हम नहीं, हमारे बगैर वो नहीं, काफ़ी कुछ जो है कॉम्बिनेशन होता है हम लोगों के बीच में, एक म्यूचुअल आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ों को, जब भी कभी मौका मिले तो ये सब चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि लाइफ, देखिए लाइफ तो सबको मिली है, जीना मरना ये सब होना ही है, लेकिन कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो ह्यूमैनिटी के परख हो, कुछ उसके रिलेटेड हो, है ना। तो ये अपने आप में लोग उसी को याद रखते हैं जब आप कुछ ऐसा कुछ करते हैं, है ना। तो प्रॉमिस करिए ना, करेंगे, हाँ करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद सिफेलोपोडा पे चलते हैं। देखिए ये क्लास भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि सिफेलोपोडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखेंगे खास बात, सिफेलोपोडा में जब देखते हैं तो सबसे खास बात सबसे पहले ऊपर, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्लोज्ड टाइप का क्या है यहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये खास बात हो गई। खास बात ये हो गई क्योंकि आपको पता है, या कई लोग भूल जाते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गैस्ट्रोपोडा बोल देते हैं कहीं, उसमें बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। सी इसमें भी है, सी फॉर क्लोज्ड और सी फॉर सिफेलोपोडा, बहुत आसान है, सी फॉर सिफेलोपोडा, सी फॉर क्लोज टाइप का, तो ये परमानेंटली आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि सी फॉर क्लोज टाइप का, सी फॉर सिफेलोपोडा, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला कह रहा कि यहाँ पे जो है फुट प्रेजेंट ऑन यहाँ पे हेड, फुट प्रेजेंट ऑन हेड, ठीक है, तो ये हेड रीजन से निकले हुए होते हैं, जैसे आपने ऑक्टोपस में देखा होगा एट आर्म्स जो होती है वो हेड रीजन से निकली हुई, ऐसा लगता है सर पे पैर, क्या बोलते थे, सर पे पैर, कई बार मजाक भी होता है ऐसे, क्या यार तुम सर पे पैर रख सकते हो क्या, हो सकता है मोलस्क रखते हैं यार, मोलस्क अपने आप में रखते हैं, ठीक है। ये जो तो यहाँ पे फुट इज प्रेजेंट ऑन या प्रेजेंट ऑन हेड यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगला जब बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लार्वल फॉर्म क्या होती है, एबसेंट होती है, ठीक है, तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, क्या, इंक ग्लैंड प्रेजेंट प्रेजेंट, और इनका काम क्या होता है वो जरा देखेंगे, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे ब्लड पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा, ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट, पिगमेंट प्रेजेंट, क्या नाम है उसका, दैट इज क्या है वो, हीमोसियानिन, क्या नाम है, हीमोसियानिन, जब भी सियानिन लिखते हैं तो इसका मतलब कॉपर कंटेनिंग, क्या, कॉपर कंटेनिंग, तो हीमोसियानिन इसका मतलब क्या, कॉपर कंटेनिंग, कंटेनिंग पिगमेंट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, ये ब्लू कलर का होता है, कैसा, ब्लू कलर का, तो अगर आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, तो कैसा, ब्लू कलर, और ये एक्चुअली होता क्या है कि ये आपने देखा इंक ग्लैंड क्या है, प्रोटेक्शन में, जैसे ही कभी उसको खतरा महसूस होता है तो इंक ग्लैंड से वो क्या है, इजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से सब पूरा नीला नीला हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है, जिसकी वजह से ये इसको मौका मिल जाता है भागने का, जब प्रेडेटर इसके पीछे होता है तब ये इंक ग्लैंड से क्या करेगा, अपने को प्रोटेक्ट करके भाग लेता है, तो ये खास बात इसकी होती है, ठीक। इसमें आर्म की अगर बात करें तो किसी किसी में
आठ आर्म है, किसी किसी में क्या है 10 आर्म है, तो अभी किसमें किस कितनी होती है। और हार्ट जो होता है यहाँ पे क्या होता है, वो हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक मतलब काहे का बना होता है, मसल्स का बना है, ठीक है। तो हार्ट मायोजेनिक होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गए, ठीक। मैं इतना पोर्शन थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड कर ले रहा हूँ क्योंकि इसके लिए इतना ही काफी है, मुझे इतना इधर और चाहिए, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा डिवाइड कर लूंगा। अब इसमें से देखेंगे अगली बात कह रहा कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं तो सबसे पहले ऑक्टोपस आता है, वो जरा देखेंगे। तो एग्जाम्पल यहीं पे लिखते हैं, एग्जाम्पल ऑक्टोपस जिसको क्या कहते हैं, इसको कॉमनली कहते हैं डेविल फिश। ये एक ट्रू फिश नहीं है, ये फॉल्स फिश है। क्योंकि ये देखिए, ट्रू फिश किसको बोलते हैं, जो कि पाइसीज के मेंबर हैं, जो आपको कॉन्डिजिथाइज, जो कि कार्टिलेजनस फिश, और जब आपको हम वहां पे बोनी फिशेस बनाएंगे उसके जो इतने भी एग्जांपल हैं वो सब क्या है, ट्रू फिश हैं। लेकिन ये जितने भी और जगह पे अगर हम इनवर्टिब्रेट में कहीं अगर किसी का जिक्र करते हैं फिश लगा के, तो इसका मतलब वो क्या है, फॉल्स फिश। जैसे हमने आपको लेपिस में बताया था जो कि क्या है, सिल्वर फिश, वो फॉल्स फिश है। जैसे आपको हमने बताया था किसके बारे में, वहां पे बताया था आपको ऑरेलिया के बारे में, जिसको जेली फिश कहा जाता है, वो भी फॉल्स फिश है। तो ये सब फॉल्स फिश के बारे में आपको बताया। तो ये ऑक्टोपस भी क्या है, फॉल्स फिश। और ऐसा माना जाता है कि पहले जो समुद्र में ये काफी बड़े साइज के भी होते हैं कि ये नावों को डुबो देते हैं, ठीक है। ऐसे आर्म होती है, 8 आर्म्स होती है इसमें। तो इसमें कितनी आर्म्स होती है अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो टोटल कितनी आर्म्स होती है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ 8 आर्म्स। कितनी आर्म्स होती है, 8 आर्म्स इसमें प्रेजेंट होती है, किसमें, ऑक्टोपस में, ठीक है। इसके बाद अगला बात करते हैं यहाँ पे क्या है, सीपिया। तो अगला एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूँ इसका, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स इधर लिख रहे हैं, एग्जाम्पल सीपिया जिसको कहते हैं कटल फिश, CUTTLE कटल फिश। ये भी एक फॉल्स फिश है। और इसमें कितनी आर्म होती है, इसमें 10 आर्म्स होती हैं। कितनी होती हैं, 10 आर्म्स होती हैं, ठीक। अगला है लॉलीगो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है, लॉलीगो, ठीक है। लॉलीगो नाम है और इसको कॉमनली क्या कहते हैं, इसको देखिएगा, इसको कॉमनली कहते हैं क्या, यहाँ पे स्क्विड, क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉमन नेम ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमन नेम से डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस आते हैं। अब लास्ट वाला एक फाइला यहाँ पे क्लास बचा है जिसका नाम है पेलीसाइपोडा। पेलीसाइपोडा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पेलीसाइपोडा में एक खास बात जो आपको याद रखनी है कि, ठीक है, तो ये क्या होता है यहाँ पे बाकी और कुछ नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और साथ में क्या होता है, ये पर्ल बनाते हैं। पर्ल मतलब मोती वाले जीव जो है वो इसी में आएंगे, बाइवॉल्विया में, ठीक है। अब जरा देखेंगे तो कुछ नाम लिख लेते हैं यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, बस वही एग्जाम्पल। इसमें टेरिडो, TERIDO टेरिडो जिसको बोलते हैं सिप वॉर्म, ठीक है, ये सिप वॉर्म कहा जाता है, ठीक, सिप वॉर्म। इसके बाद जो है अगला यहाँ पे माइटिलस को बोलते हैं यहाँ पे सी मसल, माइटिलस इसको बोलते हैं सी मसल कहा जाता है इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला जो एग्जांपल है, अगला वाला कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है पिंक टाडा जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वल्गैरिस, चाहे तो लिख लीजिए वल्गैरिस। ये क्या है, कॉमन इंडियन क्या है, इंडियन पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर यानी ये मोती वाला जीव है, यही मोती बनाएगा। और होता क्या है, जो नेक्रस लेयर होती है वो किस तरीके से क्या है, वो अराउंड जो है वहां पे क्या है, लेयरिंग कर लेती है, ठीक है, एक्सटर्नल, या आप कह सकते हैं मेंटल जो है वो लेयरिंग कर लेता है, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ पे यूनियो के बारे में आगे लिख लेते हैं, यूनियो और यूनियो को कॉमनली कहते हैं फ्रेश वाटर मसल। और खास बात एक और होता है, इसका जो लार्वा होता है किसका, यूनियो का,
उसका नाम क्या होता है? लार्वा जो होता है उसको ग्लोचिडियम लार्वा कहते हैं, ग्लोचिडियम लार्वा। तो ये अपने दिमाग में भी रख सकते हैं कि ग्लोचिडियम लार्वा किसका है, यूनियो का। तो ये एग्जाम्पल जो दो नीचे दो लिखे हैं ये इधर वाले के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और ये इसका हो गया। तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे था वो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, ठीक है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन मोलस्का की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा यहाँ पे जिसको एम्फीन्यूरा बोलते हैं, और गैस्ट्रोपोडा जिसको यूनिवॉल्विया कहते हैं, स्कैफोपोडा हो जाएगा, ठीक है, और सिफाइलोपोडा, और क्या हो जाएगा, प्ली साइपोडा या इसी को बोलते हैं बाइवॉल्विया, ठीक। अभी एक एक करके चलते हैं यहाँ पे। मोनोप्लेकोफोरा में देखा कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल क्या है, नियोप्लाइना, जो कि क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है किसमें, एनेलिडा और मोलस्का के बीच में। और खास बात क्या है, ये लिविंग फॉसिल है। जैसे हमने आपको बताया था आर्थ्रोपोडा में क्या, लिमुलस यानी किंग क्रैब क्या है, वो लिविंग फॉसिल था। इसके बाद फिर क्या होता है, पेली साइपोडा, ये पॉलीप्लेकोफोरा में देखते हैं यहाँ पे, इसमें आई और टेंटिकल एब्सेंट होते हैं। इसमें काइटन जिसको सी माइस कहा जाता है, कॉमन नेम, सबके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैस्ट्रोपोडा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, यूनिवॉल्विया जो कि लार्जेस्ट क्लास है, और सेल जो है यहाँ पे स्पाइरल कॉइल्ड होता है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे सो क्या, ये टॉर्जन होता है, ये काफी घूमे हुए राउंडेड एक तरीके से आप देख सकते हैं, देखा होगा पाइला को आपने, तो 180 ये भी टॉर्सन याद रखिएगा। इसमें वेलिजर लार्वा जो कि ऑटोकोफोर लार्वा इसके यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक। ग्लोसिडियम किसका है, यूनियो का, अभी बाद में बताना है। पाइला जब देखते हैं यहाँ पे, पाइला का इसको एप्पल स्नेल कहते हैं, डोरिस सी लेमन कहते हैं इसको, और यहाँ पे टर्बिलेना जो है ये क्या है, ये शंख है। एप्लाइसिया जो होता है ये सी हेयर होता है इसका, ठीक है, कॉमन नेम। सिफालोपोडा पे चलते, ये सॉरी स्कैफोपोडा पे चलते हैं, इसका एक ही मेंबर है यहाँ पे जिसका क्या है, डेंटेलियम, जो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टस्क सेल बताते हैं, टस्क का मतलब होता है जो हाथी के बड़े बड़े दांत होते हैं, उसी के जैसा इसका शेप इन साइज होता है, जिसकी वजह से इसको टस्क सेल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद सिफालोपोडा में देखते हैं कि सी फॉर सिफालो, सी फॉर क्लोज टाइप का, बाकी पांच जो क्लास थे उनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन सिफालोपोडा में कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है। तो सी फॉर सिफालो, सी फॉर क्लोज, दोनों याद रखिएगा। तो इसके बाद फिर कहते हैं फुट प्रेजेंट होता है ऑन हेड, सर पे पैर आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सबसे खास बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये खास बात है यहाँ पे, जो कि क्या है, यहाँ पे उसके प्रोटेक्शन में यानी भागने का मौका मिल जाता है उसको। और ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोसियानिन कहते हैं, जो कि क्या है, ब्लू कलर का होता है, कॉपर कंटेनिंग का, ऐसा ही आपने पढ़ा होगा अगर आपको याद हो, ठीक है। तो जैसे साइनोकोबालामीन, एक और चीज आपने अगर पढ़ी हो तो सियानो कोबाला मीन, ये होता है इसका क्या नाम, ये विटामिन B12 होता है, क्या होता है, विटामिन B12, इसको सियानो कोबाला मीन। तो जब भी कभी सियानो का जिक्र करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा क्या, वहां पे कॉपर का जिक्र होगा, ठीक है। तो कॉपर कंटेनिंग होता है, ये ब्लू कलर का होता है, यहाँ पे देख रहे हैं सियानो कोबाला मीन जो है ये क्या है, यह विटामिन B12 होता है। तो मैंने कहा कोरिलेट करके पढ़ते हैं, कोई शब्द अगर है तो वो कहीं और भी उससे रिलेटेड कुछ है, ऐसे एक्चुअली क्या होता है, ये मोड जो पढ़ाई का होता है ये हमेशा काम आता है आपको, और आपका नॉलेज जो है वो रनिंग में रहता है। रनिंग में मतलब क्या होता है, कभी भी कोई चीज आती है तो आपको तुरंत कोरिलेट करके समझ में आती है कि ये पॉइंट हमने किसी और चैप्टर में पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये पता चल जाता। तो इसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे, अगला कह रहा है कि यहाँ पे जो है ये हार्ट, इसमें मायोजेनिक, देखिए हार्ट दो टाइप का होता है, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। जो इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें वहां पे क्या है, वहां पे न्यूरोजेनिक होता है मोस्टली, अगर है तो, लेकिन ये भी तो इनवर्टिब्रेट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मायोजेनिक है, तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा एक तरीके से, ठीक। एग्जाम्पल पे चलते हैं, ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश कहा जाता है, ये ट्रू फिश नहीं है, फॉल्स फिश है, और इसमें 8 आर्म्स होती है, 8 आर्म। सीपिया जो होती है जिसको कटल फिश कहा जाता है, ये भी फॉल्स फिश है, और इसमें 10 आर्म्स होती हैं। लॉलीगो जिसको स्क्विड कहा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम्स। आखिर वाला जो क्लास है उसमें चलाते हैं, पेली साइपोडा जिसको बाइवॉल्विया कहते हैं, एग्जाम्पल में चलते हैं, इसमें क्या है, टेरिडो जिसको सिप वॉर्म कहा जाता है, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा वॉर्म कह दिया, इसका मतलब एसके हेलमेंथीस से बिलोंग कर रहा, नहीं साहब ये क्या है, ये एक मॉलस्क है, लेकिन ये क्या है, ये जो सिप होते हैं उनमें नीचे छेद कर देता है उसी में, तो उसको हार्म करता है एक तरीके से, ठीक। इसलिए कोटिंग क्या होती है, ज्यादातर क्या कर देते हैं वहां पे, मैग्नीशियम वगैरह की कोटिंग कर देते हैं नीचे, बहुत मैग्नीशियम की एक लेयर बना देते हैं जो सिप होती है, जिसकी वजह से ये फिर जो है उसको अफेक्ट नहीं कर पाता। आगे चलते हैं, इसके बाद टेरिडो जो कि सिप वॉर्म है, माइटिलस जो सी मसल कहते हैं इसको, इसके बाद फिर देखते हैं पिंटाडा वल्गैरिस जो कि इंडियन पर्ल ऑयस्टर है, और यही मोती वाला जीव है।
तो ये क्या करेगा, मेंटल लेयर या आप कह सकते हैं नेक्रस जो लेयर होती है वो उसके किसी जो फॉरेन पार्टिकल होता है उसके अराउंड जो है ऐसे ऐसे रैपिंग कर लेता है, यानी लेयर बाय लेयर। इसमें टाइम लग जाता है 6 महीने से लेके कई साल तक के जो है, जितना टाइम ज़्यादा का होगा उतनी ही अच्छे क्वालिटी वाला मोती होगा। तो ये खास बात होती है कि जितना अच्छा उतना ही इतना टाइम लगेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो वो जरा देखेंगे, अगला अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनियो जो कि फ्रेश वाटर मसल इसको बोलते हैं, और यूनियो का लार्वा जो होता है इसे ग्लोचिडियम लार्वा होता है। तो ग्लोचिडियम लार्वा जो होता है वो यूनियो का होता है खास बात, और ट्रोकोफोर, और अगर हम वहाँ पे बात करें किसकी, अगर वेलिजर लार्वा जो कि कॉमन लार्वा है वो किसमें आप देखते हैं, गैस्ट्रोपोडा के मेंबर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये खास बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो हमने आपको सब बता दिया, तो ध्यान रखिएगा इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एनसीईआरटी में जरा मार्क कर लेते हैं। एनसीईआरटी में अगर हम देखें यहाँ पे तो एक एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। फाइलम मोलस्का में चलते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये, हमने आपको बताया। मोलस्क आर टेरिस्ट्रियल और एक्वाटिक मैरीन फ्रेश वाटर होते हैं, हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब यहाँ पे बात करते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट होता है। सीलोम कैसी होती है, साइजोसील, और जब उसमें क्या हो जाता है, जब फ्यूज हो जाते हैं ब्लड वेसल्स और फिल्ड हो जाता है ब्लड, तब उसको क्या, हीमोसील। ऐसा भी और कहीं देखा, यस, कहाँ, आर्थ्रोपोडा में। इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट, तो कह रहा कि बॉडी कवर्ड बाय अ कैल्केरियस सेल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, नाम क्या है वो, और अनसेगमेंटेड भी है, क्या नाम है उसको, कहते हैं सेल, ठीक है। और 3 लेयर होते हैं वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद जो बॉडी डिवाइड होती है वो हेड, मस्कुलर फुट और विस्लर हम्प में डिवाइड होती है। बॉडी सॉफ्ट स्पंजी लेयर फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विस्लर हम्प, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी, जहां पे क्या है, फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करेंगे, दोनों चीज में हेल्प करते हैं, यानी रेस्पिरेशन में, यानी मेनली क्या है, रेस्पिरेशन करेंगे, लेकिन करेंगे दोनों मेनली रेस्पिरेशन, और क्या है, एक्सक्रीशन भी करेंगे, लेकिन मेनली एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो वो ऑर्गन ऑफ वजाइनस या केबर्स ऑर्गन करते हैं, तो हमने आपको बता रखा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो है अगला क्या है यहाँ पे, एंटीरियर जो हेड रीजन है वहां पे सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है, वो क्या है, वो रेडुला, जो कि फीडिंग में हेल्प करता है, किसमें, फीडिंग में। आगे बात करते हैं, इसके बाद पेज पलट लेते हैं, इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या है, यूजुअली डायोसियस ओवीपायरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे, ठीक है, जैसे पाइला, एप्पल स्नेल, पिंगटाडा वल्गैरिस, सीपिया कटलफिश कहते हैं, ये फॉल्स फिश है, ध्यान रखिएगा इसमें। इसके बाद लॉलीगो स्क्विड कहते हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश, ये भी फॉल्स फिश है, एप्लेसिया सी हेयर कहते हैं, ठीक है, हेयर मतलब खरगोश होता है, वाइल्ड जो हल्का सा मिट्टी या थोड़ा डिम कलर का होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, गांव में खरहा, हिंदी में कहते हैं खरहा, हेयर मतलब खरा, खरा मतलब खरगोश, और गांव में उसको बोला जाता है, जैसे चौगड़ा बोल देते हैं देहात में कॉमनली। इसके बाद बात करते हैं कीटोप्लूरा, जिसको काइटन कहा जाता है, तो कीटोप्लूरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि काइटन मैंने आपको लिखा था यहाँ पे, काइटन, तो चाहे तो आप लिख सकते हैं क्या, कीटोप्लूरा या काइटन, कीटो प्लूरा या काइटन, इसको क्या बोलते हैं, सी हेयर, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद ये सारी चीजें, अब इसके बाद जो अगला हमें पढ़ाना है वो बात करनी है किसमें, फाइलम इकानोडर्मेटा की। देखिएगा अब यहां से जब हम आगे चलेंगे, अब थोड़ा स्पीड में हो जाएगा, स्पीड का कहने का मतलब ये है, क्योंकि अब जो है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चलना है, बहुत ज्यादा किसी में क्लासिफिकेशन नहीं करना है आगे चल के, अब डायरेक्ट बहुत स्पीड में चलेगा एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए ऑफलाइन में क्या होता है, हम इसका प्रिंट आउट देते हैं, जो हमारा पीडीएफ के फॉर्म में होती है, हम उसका प्रिंट आउट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तब ये मुश्किल से 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है पूरा एनिमल किंगडम, मुश्किल से 2 लेक्चर में, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आपको सारी चीज़ें लिखवानी पड़ती हैं, हर एक चीज़ को लिखवाना पड़ता है, हर एक पॉइंट को लिखवाना पड़ता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे कि जब अब इस समय सिचुएशन ऐसी है कि ऑफलाइन पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो अब तक ये चैप्टर खत्म हो चुका होता है, ठीक। तो सब्र रखिए जैसे हम कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम सिलेबस टाइम से ही कंप्लीट करेंगे, उसकी हमारी गारंटी, उसकी टेंशन ना लीजिएगा आप, ठीक है।
तो एक एक पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से कुछ भी मिस नहीं करना है, और हर एक चीज को जहां पे इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया उसको ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। को रिलेट करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि आपको पता है अब जो हमारा सिलेबस है वो एनसीईआरटी है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मैं सब कुछ जो आ सकती हैं, जो आई हुई हैं, वो सब कुछ पॉइंट आउट कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।